हेलो एवरीवन, अभी तक हमने धोलेरा के बारे में, उसकी डेवलपमेंट के बारे में जाना था और उसमें किस तरीके से प्लान किया गया है कि कौन कौन से एरियाज में किस तरीके से डेवलपमेंट होगी उसके बारे में। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस का लिंक अवेलेबल है, आप उन्हें एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। तो आइए अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर है। धोलेरा में आपको कौन से एरियाज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ये वीडियो उसके बारे में है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट की तरफ से। तो सबसे पहला पॉइंट है जो हम सभी को पता है, वो है NANOC। अब आप सोचेंगे ये तो हमें पता ही है कि NANOC के बारे में सभी को पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आप सभी को बताऊं कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो NANOC का ध्यान नहीं रखते कि आपने जो भी प्लॉट खुद के लिए लिया है क्या उस पे गवर्नमेंट का NANOC अलॉटेड है या फिर नहीं। तो दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि धोलेरा में इन्वेस्टमेंट दो तरीके से की जा रही है, इनसाइड धोलेरा एंड आउटसाइड धोलेरा नियर एयरपोर्ट। इन दोनों ही लोकेशंस के बारे में हम अलग अलग बात करेंगे आगे वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इनसाइड धोलेरा लोकेशंस के बारे में। अगर आप धोलेरा इनसाइड में प्लॉट ले रहे हैं तो दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो है जोनिंग सर्टिफिकेट। आप जिस भी डेवलपर से प्लॉट के बारे में डील करने जा रहे हैं उनसे ये सर्टिफाई कर लें कि क्या उनके पास जोनल सर्टिफिकेट है, ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए कि आप कौन से TP और कौन से जोन के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। थर्ड पॉइंट जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए वो है लैंड ओनरशिप। जिस भी कंपनी या फिर डेवलपर के साथ आप डील करने जा रहे हैं उस टाइम आप जरूर इसको चेकआउट कीजिए कि जो भी लैंड आप ले रहे हैं वो कंपनी ओनर के नाम पे है या फिर किसी फार्मर के नाम पर। ऐसा करने से आप गलत इन्वेस्टमेंट करने से भी बच सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड डेवलपर सर्टिफिकेट का होना। अगर आपको एक बात ना पता हो तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि गवर्नमेंट का एक फॉर्म है धोलेरा के लिए जिसका नाम है DSIRDA, जिसका फुल फॉर्म है धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। गाइस, अगर गवर्नमेंट से किसी डेवलपर को ऑथराइज्ड डेवलपर सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो आपको ज्यादा चीजें चेकआउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब फिफ्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट है एमिनिटीज और फैसिलिटीज का। आपको अपने डेवलपर से ये जरूर पूछना चाहिए कि वो आपको कौन से फैसिलिटीज और कौन से एमिनिटीज डिलीवर करेंगे। सिक्स्थ पॉइंट है पोजीशन डेट ऑफ गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब ये कि आप जिस भी एरिया में इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि जिस एरिया में आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं उसकी डेवलपमेंट कब तक हो जाएगी। जैसे कि TP2 वेस्ट जोन के अंदर अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उसमें B1 और B2 एरिया सबसे पहले रेडी होगा जो कि 2022 तक है, और TP1 के अंदर TP1A2 रेडी होगा। तो आपको ये देखना चाहिए कि जो भी एरियाज आपको सजेस्ट किए जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो कौन से जोन में आ रहे हैं और उनकी डेवलपमेंट कब तक की जाएगी, ताकि जो एरिया सबसे पहले डेवलप किए जा रहे हैं आप वहीं इन्वेस्टमेंट करें, ना कि बाद में डेवलप होने वाले एरियाज के अंदर। आई होप हमारी ये ट्रिक्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे बेहतर डेवलपर को चूज करने में, ताकि आप इन्वेस्टमेंट सेफली और सिक्योरली कर सके। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि आपको इनसाइड धोलेरा के अंदर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अगर आप आउटसाइड धोलेरा में प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपको किन किन चीजों के बारे में सोचना चाहिए और उन पर एक नजर डालनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप आउटसाइड धोलेरा में प्लान कर रहे हैं तो भी आपको कुछ तीन चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहिए जो हमने इनसाइड धोलेरा में इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की थी, जैसे कि NANOC, फैसिलिटीज, एमिनिटीज और सर्टिफिकेट्स के बारे में। तो अभी बात करते हैं उसके अलावा आपको किन चीजों के बारे में अपने डेवलपर से पूछना चाहिए। आपको अपने डेवलपर से प्लान पास के बारे में जानकारी लेनी चाहिए कि जिस भी प्रोजेक्ट के बारे में आपसे बात की जा रही है वो प्लान पास उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का है या नहीं। और दूसरी चीज ये आपको अपने डेवलपर से जरूर पूछनी चाहिए कि जिस यूनिट प्लान पास के बारे में आप बात कर रहे हैं वो उनके पास हो, क्योंकि विलास और बंगलोज के लिए ये दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कंपनी के सर्टिफिकेशंस। आपको जरूर चेक करने चाहिए किसी भी डेवलपर के साथ डील करने से पहले। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप कंपनी का पैन, TDS या फिर VAT भी उनसे मांग सकते हैं, ताकि आपको ये पता चल सके कि कहीं वो कंपनी वहां पे टेम्परेरीली तो नहीं है। थर्ड, आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है कि डेवलपमेंट कितनी की है उस डेवलपर ने। जिस भी प्लान प्रोजेक्ट के बारे में आपसे बात की जा रही है वो चालू है या फिर सिर्फ उन्होंने बाउंड्रीज बनाकर प्लॉट्स खाली छोड़ दिए हैं। अगर
अगर सिर्फ खाली प्लॉट्स के पेपर्स आपको दिए जा रहे हैं तो आपको उसके लिए भी श्योर होना चाहिए और उनके जो बनाए गए प्रोजेक्ट्स हैं उन पर जाकर एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए कि जिस तरीके से काम आपको बताया जा रहा है वो उसी तरीके से किया भी जा रहा है या नहीं। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्रोजेक्ट लोकेशन। अगर आप धौलारा के बाहर की साइड कहीं इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि आप जिस भी लोकेशन को चूज़ करें वो हाईवे से ज़्यादा दूर ना हो, क्योंकि आपको बेस्ट कनेक्टिविटी की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। आप कहीं भी मूव ऑन करना चाहेंगे तो आपको कनेक्टिविटी चाहिए, एटलीस्ट वहाँ पे कनेक्टिविटी आपको मिले 4 लेन हाईवेज की, मेट्रो स्टेशन की, अहमदाबाद से धौलारा 6 लेन हाईवे, एयरपोर्ट या फिर स्मार्ट सिटी एटलीस्ट पास हो। स्मार्ट सिटी के एंट्री गेट से 3 किलोमीटर्स के एरिया में ही अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कहलाएगी, लेकिन अगर इसके बाहर करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट डेड इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। सो गाइज, आज का हमारा ये वीडियो था धौलारा में सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट को लेकर कि आपको किस तरीके से और कैसे करनी चाहिए। लेकिन जाने से पहले मेरा एक सजेशन आप सभी के लिए ये है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें तो आप सीधे डेवलपर या फिर बिल्डर से ही कॉन्टैक्ट करें, किसी ब्रोकर या फिर कंसल्टेंट को ना चुने, क्योंकि कोई भी ब्रोकर या कंसल्टेंट आपको सिर्फ उन्हीं डेवलपर्स का कॉन्टैक्ट देंगे जिनके साथ उनके कुछ ब्रोकरेज चार्जेस या फिर कुछ कमीशंस जुड़े होते हैं, जिससे शायद आपको बेनिफिट ना मिले लेकिन उनका बेनिफिट जरूर हो जाएगा। तो सेफ, सिक्योर एंड वैल्यू फॉर मनी इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी बातें मैंने आपको अभी बताई हैं, जो पॉइंट्स बताए हैं इनर और आउटर धौलारा में इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो आपको ध्यान रखने चाहिए, अगर आपको लगे कि वो सच में वैल्यू फॉर मनी है तो इस वीडियो को सभी के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि स्मार्ट और ऐसी सिटी के अंदर हर कोई शिफ्ट होना चाहेगा जहां पर आप अपना उज्जवल भविष्य देख सकते हैं। धौलारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर हर एक व्यक्ति की नजर है, क्योंकि बहुत से लोग अपना ब्राइट फ्यूचर यहां पे देख रहे हैं, बिकॉज दिस इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में यहां पर बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। आई होप आज की हमारी इस वीडियो में हमने आपके साथ जो भी टिप्स शेयर किए हैं वो आपकी जरूर हेल्प करेंगे ताकि आप बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान कर सके धौलारा इनर एंड धौलारा आउटर के अंदर। धौलारा के बारे में आप और कौन सी इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं जो आपको लगती है कि सबको पता होनी चाहिए, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि हम धौलारा के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और ग्राउंड रिपोर्टिंग आप तक ऐसे ही लाते रहें। दिस इज दिव्या फ्रॉम tegunity.com। जल्द हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।